रचना सब पढ़ रहा हूँ और भाई साहब की रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। एक घंटा किताब खोलकर बैठना मानो पहाड़ था। मौका मिलते ही पढ़ाई छोड़कर मैं सीधे मैदान में आ जाता था। कभी कड़कड़ियां उछालता, कभी कागज का हवाई जहाज बना के उड़ाता और कभी कोई साथी मिल जाए तो कहना ही क्या। कभी फाटक को पकड़ के आगे पीछे आगे पीछे चलते हुए मोटर गाड़ी का आनंद लेता। कभी दीवार पे चढ़ के हम लोग उछलते थे और लेकिन कमरे में आते भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण निकल जाते। उनका पहला सवाल होता था, ये सवाल हमेशा इसी ध्वनि में पूछा जाता था और मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था सिवाय मौन। ना जाने मेरे मुंह से बात सुनने नहीं देती थी कि भाई साहब मैं बता थोड़ी देर में और इसी निराशा में सोचने लगता कि क्यों ना मैं अपने घर चला जाऊं।